ये हमारा समर 2006 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कहता है द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स रिलेटिव टू द ओरिजिन ओ गिवन बाय ओ ए -135 एंड ओ बी 3-1-4। द लाइन एल पासेस थ्रू ए एंड इज पैरेलल टू ओ बी। द पॉइंट एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू एल। स्टेट अ वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन एल। वेक्टर इक्वेशन लाइन एल की देनी है। सबसे पहले तो देखें एल जो है वो ए पॉइंट से पास हो रहा है। अगर ए पॉइंट आप लेना चाहें तो पॉइंट ए जो है, अगर जो ए पॉइंट है ओ ए का पोजीशन वेक्टर दे रहा है, तो जो ए पॉइंट है बेसिकली ए पॉइंट हमारा आ रहा है ये -1, 3 और 4 ए पॉइंट है। ए पॉइंट ये है। अब लाइन की जो इक्वेशन मिलेगी, जो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, देखिए ये फर्स्ट पार्ट ही मैं कर रहा हूं। लाइन की इक्वेशन कहता है कि जो ए हो और ओ बी के पैरेलल है, तो इक्वेशन लाइन की यकीनन आ जाएगी आर इज इक्वल टू -1, 3, 5 प्लस लैम्डा। ओ बी के पैरेलल यानी डायरेक्शन ऑफ ओ बी वाला ये दिया हुआ है हमें 3, -1 और -4। अगर चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू -r + 3j + 5k + λ, ब्रैकेट में लिखे 3r - j - 4k। ये इक्वेशन लाइन की आ गई। मैं थोड़ा सा मार्कर दूसरा ले रहा हूं, ये थोड़ा सा हैवी हो रहा है, तो ये लाइन की क्वेश्चन आ गई। अब सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन एंड शो दैट बी एन इज इक्वल टू 3। अब आगे ये पहले ये कहते हैं एन जो है, आप अगर देखें द पॉइंट एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए। तो सबसे पहले तो बी पॉइंट है, बी पॉइंट देखें हमारा, अब ये सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट हो जाएगा ये। इसमें सबसे पहले तो देखें बी पॉइंट, बी पॉइंट जो हमारा आ रहा है, बी पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट है पॉइंट फॉर्म है क्योंकि वो डायरेक्शन वो पोजिशन वेक्टर 3, -1 और -4, ये बी पॉइंट है। अब आप देखें अगर ये इक्वेशन लाइन की है इस तरीके से, तो ये इक्वेशन लाइन की आर ये है हमारी -1, 3, 5 + λ, ये 3 -1 -4। अगर ये बी हमारा इधर पॉइंट है बी, ये है 3 -1 -4। ये कहता है बी से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एन है, ऐसे डायरेक्ट 90 डिग्री पे एन है। तो एन देखिए बेसिकली मैं एन को हमेशा ये मैं सिखा के रहा आप लोगों को पहले ही, ये हमेशा आप जनरल पॉइंट लेंगे, ये जनरल पॉइंट ले लेते हैं एल, ये जनरल पॉइंट ले लेते हैं एल, लेट एन को मैं जनरल पॉइंट के तौर पर लूंगा। लेट एन जो है परपेंडिकुलर ये लेट एन, एन बी जनरल पॉइंट ले रहे, एन है ये -1 + 3λ और ये 3 - λ और 5 - 4λ। जनरल पॉइंट से ले लें -1 + 3λ, सॉरी ये थोड़ा सा मेरा हाथ लग जाता है इधर इधर, आई एम सो सॉरी। अच्छा लेट एन भी ये है, ये हमने जनरल पॉइंट ले लिया। अब मैं डायरेक्शन लेगा बी एन का, एन है -1 + 3λ, 3 - λ, 5 - 4λ। अब इसका डायरेक्शन वेक्टर ले रहा हूं, ये ले रहा हूं डायरेक्शन वेक्टर, मैं बी एन ले रहा हूं, बी एन डायरेक्शन वेक्टर, बी एन जो आएगा -1 + 3λ - b का होगा 3, फिर यह आएगा 3 - λ
और माइनस माइनस वन फिर आएगा फाइव माइनस फोर लैम्डा और फाइव माइनस फोर लैम्डा माइनस माइनस फोर, इससे हमें मिल जाएगा माइनस फोर प्लस थ्री लैम्डा, फिर मिलेगा टू ये कितना है थ्री माइनस लैम्डा माइनस माइनस वन, ये प्लस वन हो जाएगा तो थ्री प्लस वन फोर माइनस लैम्डा मिलेगा हमें, और ये मिलेगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर, फाइव प्लस फोर ये हो जाएगा नाइन माइनस फोर लैम्डा, ये डायरेक्शन वेक्टर बी एन का आ गया, माइनस फोर प्लस थ्री लैम्डा, फोर माइनस लैम्डा, नाइन माइनस लैम्डा। ये थोड़ा सा मार्क कर दूसरा लेना चाह रहा हूं, ठीक है। अब ये जो है कि देखिए बी एन, ये आप देख रहे हैं कि ये बी एन इस बी के परपेंडिकुलर है, यानी अब मैं लिख सकता हूं कि बी एन और बी की डॉट प्रोडक्ट बी एन डॉट बी मस्ट बी जीरो, बी एन डॉट बी जीरो हो तो ये माइनस फोर प्लस थ्री लैम्डा जाके मल्टीप्लाई करेगा थ्री को, या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री इंटू माइनस फोर प्लस थ्री लैम्डा, और फिर ये हो जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई करेगा फोर माइनस लैम्डा को, ये हो जाएगा माइनस वन फोर माइनस लैम्डा, और उसके बाद माइनस फोर मल्टीप्लाई करेगा माइनस फोर मल्टीप्लाई करेगा नाइन नाइन माइनस फोर लैम्डा को, आप देखें इस इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके हैं ये जो बी के वेक्टर्स, देखें ये बी का डायरेक्शन वेक्टर है थ्री माइनस वन माइनस फोर, ये मल्टीप्लाई करके थ्री मल्टीप्लाई करेगा माइनस फोर प्लस थ्री लैम्डा को, फिर माइनस वन मल्टीप्लाई करेगा फोर माइनस लैम्डा को, फिर माइनस फोर मल्टीप्लाई करेगा इसको, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ये देखें ये सॉल्व करेंगे हम, ये आता है माइनस के ट्वेल्व प्लस नाइन लैम्डा, तो माइनस के फोर प्लस लैम्डा, माइनस के थर्टी सिक्स और प्लस के सिक्सटीन लैम्डा मस्ट बी जीरो, पहले लैम्डा देखें सिक्सटी लैम्डा लैम्डा सेवनटीन लैम्डा नाइन लैम्डा, ये लैम्डा आ रहा है हमारा ट्वेंटी सिक्स लैम्डा, माइनस ट्वेल्व माइनस फोर माइनस सिक्सटीन माइनस थर्टी सिक्स माइनस सिक्सटीन माइनस थर्टी सिक्स आ रहा है माइनस फिफ्टी टू इक्वल टू जीरो के, तो ट्वेंटी सिक्स लैम्डा आ गया फिफ्टी टू के, तो लैम्डा हमारा आ जाएगा टू के, लैम्डा टू के आ गया तो हमें एन जो फोटा था परपेंडिकुलर है एन मिल जाएगा हमें, एन पॉइंट मिल जाएगा, ये आ जाएगा माइनस वन प्लस सिक्स थ्री माइनस टू, और ये हो जाएगा फाइव माइनस एट, जो कि हमें मिल जाएगा एन फाइव वन और माइनस थ्री के, फाइव वन और माइनस थ्री के हमें मिल गया एन, लेकिन इसने एन नहीं पूछा, इसने पूछा है अगर आप खोल के देखें ऊपर तो इसने पूछा है इसका पोजीशन वेक्टर एन का, तो एन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ एन, ओ एन एन का पोजीशन वेक्टर ओ एन, ओ एन पोजीशन वेक्टर या तो कॉलम वेक्टर में ऐसे लिख दें फाइव वन माइनस थ्री, या फिर ऐसे लिख सकते आप फाइव आर प्लस जे माइनस थ्री के, ये एन का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, इसने नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है देखें, आगे चलते हैं हम, एन का फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन एंड शो दैट बी एन इज इक्वल टू थ्री, अब बी और एन का हमें डिस्टेंस शो करना है थ्री है, अब बी के कोऑर्डिनेट्स और एन के कोऑर्डिनेट्स हमने वो डिस्टेंस फॉर्मूले से करने हैं, अब बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बी के कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं थ्री माइनस वन और माइनस फोर, ऊपर है बी के कोऑर्डिनेट्स, और ये एन के कोऑर्डिनेट्स ही आ गए फाइव वन और माइनस थ्री, मैं बी के कोऑर्डिनेट दिखा सकता हूं आपको, क्वेश्चन भी दिए गए हैं बी के कोऑर्डिनेट्स की, वो भी दिया गया है, ये देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स पर लिखे भी हैं
3 माइनस 1 माइनस 4, तो वही मैंने लिए 3 माइनस 1 माइनस 4 बी के क्वाड्रेट्स। अब उनका डिस्टेंस दे लूंगा बी एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से बी एन ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस 4 यानी प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेसिकली अंडर रूट में ये 4 प्लस ये भी 4 आएगा प्लस 1 ये 9 अंडर रूट में, 9 अंडर रूट का मकसद है 3, यानी हमने शो किया शोन के बी एन जो है वो 3 है, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी जो है वो लाइन से वो 3 है, हमने ये प्रूव कर दिया। देखें हमने उसने जिस तरह से करा रहा है उसके बाद फिर ये सेकंड पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ए बी एन एंड गिव योर आंसर इन दी फॉर्म दिस वन। ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम है कि यानी हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम करनी है जिसके 3 पॉइंट्स हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम करनी है 3 पॉइंट्स, सेकंड पार्ट इसका सी पार्ट करें, इसके पॉइंट्स दिए हुए इसने, ए के पॉइंट्स है माइनस 1 3 5, बी के पॉइंट्स है 3 माइनस 1 और माइनस 4 और एन के पॉइंट्स है 5 1 और माइनस 3। अब सबसे पहले मैं बी वन मालूम कर रहा हूं, बी वन में सपोज ले रहा हूं ए बी को तो बी में से ए के माइनस करूंगा, तो आप ये करके देखें 3 माइनस माइनस 1 3 प्लस 1 फिर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 5, तो ये आ जाता है 4 माइनस 4 और माइनस 9, 4 माइनस 4 और माइनस 9 बी वन। उसके बाद आप बी टू मालूम करेंगे, आप बी वन के कोऑर्डिनेट्स करेंगे, बी टू के है, बी टू सपोज वैसे कुछ भी ले सकते हैं, मैं सपोज बी एन ले रहा हूं, बी टू बी एन यानी एन में से बी के माइनस करूंगा, क्या जाएगा 5 माइनस 3 1 माइनस माइनस 1 तो ये 1 प्लस 1 फिर माइनस 3 माइनस माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2 2 और 1। अब मैं इसका नॉर्मल वैल्यू करूंगा इक्वेशन का, जिस तरीके से ये हमेशा की जाती है नॉर्मल इक्वेशन का वही होगा, इक्वेशन का नॉर्मल होगा बी वन क्रॉस बी टू से, तो एन जो नॉर्मल आ रहा है वो है 4 माइनस 4 माइनस 9 क्रॉस 2 2 1, तो जे को मैं माइनस दे दूंगा, माइनस का सिंबल जे को, अब जब आई आई करूंगा तो 4 और 2 को मैं छुपा लूंगा, ये माइनस 4 इंटू 1 आ जाएगा माइनस 4 और ये 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18 तो इधर दूंगा मैं प्लस के 18, इस तरह फिर अब जे को छुपाने के लिए जे को छुपाएंगे माइनस 4 2 करके 4 इंटू 1 आ जाएगा 4 और 4 1 4 और ये माइनस 18 तो मैं दूंगा प्लस के 18, फिर के छुपा लूंगा के आ जाएगा 8 और ये प्लस 8 तो ये मेरे आ जाएगा 14 माइनस 22 और 16, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन कॉमन लिया था 7 माइनस 11 और 8, यानी आपका नॉर्मल प्लेन का ये हो गया। अब आप कोई भी पॉइंट लेने उसकी डॉट प्रोडक्ट करके आर डॉट एन, जिस तरीके से हम करते हैं आर डॉट एन ए डॉट एन,
तो ये हो जाएगा आर डॉट वही सेवन माइनस इलेवन और एट इज इक्वल टू ए, कोई भी पॉइंट ले लूंगा मैं, ए पॉइंट है हमारा, आप कोई भी पॉइंट ले लें जितने भी, माइनस वन थ्री फोर फाइव ले रहा हूं सपोज, डॉट इसकी हो जाएगी सेवन माइनस इलेवन और एट के, तो ये इक्वेशन बनती है, ये तो सेवन एक्स माइनस इलेवन वाई प्लस एट जेड इक्वल हो जाएगा माइनस सेवन, और ये थ्री इंटू माइनस इलेवन है, ये जाएगा माइनस थर्टी थ्री और प्लस फोर्टी के, सॉरी प्लस फोर्टी, एक मिनट में दो चीजें क्लियर कर देता हूँ, रबड़ लेके एक तो इलेवन है और ये फोर्टी, तो इससे इक्वेशन मिल जाएगी हमें, फ्रेंड की इक्वेशन मिल जाएगी सेवन एक्स माइनस इलेवन वाई प्लस एट जेड इक्वल जीरो के, ये इक्वेशन मिलेगी। अभी इसी तरह जिस तरह मैं रेड पेन लेके समझाता हूँ, एक बार फिर समझाऊंगा, रेड पेन ले लूं, देखिए ये बेसिकली ये ओ ए और ओ बी दिया गया, तो आप ए तो ये है माइनस वन थ्री फाइव और बी आप इसका थ्री माइनस वन माइनस फोर हो गया, इससे पहले इक्वेशन मालूम करें जिसका ए है और ओ बी का पैरेलल है, तो ये तो बहुत ही इजी चीज थी कि इक्वेशन मालूम करते हैं आप कि इस तरीके से करेंगे कि आर इज इक्वल माइनस वन थ्री फाइव प्लस लैम्डा थ्री माइनस वन माइनस फोर आ गया, या आर की इक्वेशन आ गई। उसके बाद इसने कहा है कि ये बी पॉइंट है थ्री माइनस वन माइनस फोर, ये फोटा था परपेंडिकुलर इसका मालूम करना था इस पॉइंट का इस लाइन पे, तो हमने वो एन लिया, एन का जनरल पॉइंट लिया, फिर बी एन का डायरेक्शन वेक्टर लिया, बी एन का डायरेक्शन वेक्टर उनकी बी एन और डॉट बी की जीरो रखा तो लैम्डा टू के आ गया, तो इससे हमें ये फोटा था परपेंडिकुलर मिल गया, फोटा था परपेंडिकुलर एन मिल गया हमें, फिर बी और एन का डिस्टेंस भी हमें मिला थ्री है। फिर इसने कहा है कि प्लेन की इक्वेशन एक मालूम करनी थी, तीन पॉइंट थे ए पॉइंट बी और सी, मैंने सबसे पहले दो डायरेक्शन वेक्टर निकाले, एक ए बी का और एक बी एन का, चाहे तो आप ए एन का भी निकाल सकते हैं, कोई भी दो ले लें, बी वन लिया बी टू लिया, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू की बी वन क्रॉस बी टू की क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आगे उसमें से कॉमन लिया, अब इक्वेशन आर डॉट एन इज इक्वल ए डॉट एन, कोई भी एक पॉइंट ले लिया और वो इस तरीके से हमारी प्लेन की इक्वेशन मिल गई हमें